हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 का शेड्यूल आ चुका है, उसमें क्या क्या है और कैसे कैसे कितनी कितनी डेट को आपकी काउंसलिंग होगी। इन सब चीज़ के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 7 सितंबर है, आज ही से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये रहा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल, यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फर्स्ट टू थर्ड राउंड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश में जो हैं वही स्टूडेंट्स ये फर्स्ट से थर्ड राउंड तक भर सकते हैं और जो अदर स्टेट के हैं वो नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ यूपी स्टेट के लिए है। इसमें फर्स्ट नंबर पर लिख रहा है फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट, मतलब आपकी जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो 7 तारीख से 9 तारीख तक होगा। कब का होगा? आज, कल और परसों, 7 तारीख से 9 तारीख तक। सेकंड आता है आपका फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, जो आपके कॉलेज आप लॉक करेंगे वो 7 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब आज, कल, परसों, इन 3 दिन में रजिस्ट्रेशन भी होगा और चॉइस फिलिंग भी होगी। तो इस टाइम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, इसलिए आप सभी का जल्दी जल्दी काम होगा। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉट हो जाएगी आपकी 10 तारीख को, मतलब आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और आपको वो अच्छा लगेगा तो आप उसे फ्रीज करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फ्लोट करेंगे। ये फ्रीज या फ्लोट कब करेंगे? फ्रीज या फ्लोट आप करेंगे 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में। जैसा कि फोर्थ नंबर पर लिख रहा है ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन ऑफ फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब 11 से 13 तारीख तक आप फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फ़ीस 3,000 रुपये, मतलब अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है तो आप उसे फ्रीज करेंगे वरना आप फ्लोट करेंगे। तो आप फ्रीज करेंगे तो आपको 3,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस देनी है, वो आपको 11 से 13 के बीच में ही देनी है। फिर 6 नंबर पे आता है, अब यहाँ तक आपका फर्स्ट राउंड पूरी काउंसलिंग हो चुकी है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, अगर अच्छा लगेगा तो आप उसे फ्रीज कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसे फ्लोट कर देंगे, फिर आपका सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है वो 250 रुपये होती है, तो आपको उसे एक ही बार जमा करना होता है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपका सेकंड राउंड में एडमिशन अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, दोबारा आपको फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। तो सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से 13 तारीख तक होगा, मतलब 11, 12, 13 में होगा। और इसका जो है आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो 15 से 17 के बीच में होगी, और चॉइस फिलिंग आपकी होगी 11 से 13 के बीच में, रजिस्ट्रेशन भी होगा और चॉइस फिलिंग भी होगी। और सीट अलॉट हो जाएगी आपकी 14 तारीख में और फ्रीज फ्लोट आप करेंगे 15 से 17 के बीच में। जैसे और फिर आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस देनी होगी वो भी 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपकी वो हो जाएगी। तो आपका 11 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपका सेकेंड राउंड कम्प्लीट होता है। फिर आता है आपका थर्ड राउंड, थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा 16 से 18, मतलब 16, 17, 18, और चॉइस फिलिंग भी 16, 17, 18 में होगी। तो फिर होता है आपका सीट अलॉट, सीट अलॉट का हो जाएगी आपकी 19 तारीख में, आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। फिर है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ये सब, आपकी सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह आपकी, ये है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा आपका, 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब आपका आता है कि सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह देनी है, तो ये सब आपका हो जाएगा। अब है आपकी जो फ़ी देनी होगी, फ़ी जो पोच करनी होगी, जो की जाती है आपकी 10,000 कुछ जाती है, तो वो आपकी 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में जाएगी। और आपका जो सेशन है सबसे नीचे लिखा है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 2022 से 23, 24 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एडमिटेड सीट विड्रॉल ये आपकी 11 से 23 के बीच में रहेगा, मतलब आपका जितना भी पूरा है काउंसलिंग आपकी 24 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी।
आज से स्टार्ट है और 24 तारीख तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप सभी यही ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग अच्छे से करें तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो आज से आपकी स्टार्ट हो रही है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कीजिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम नोट की तरफ चलते हैं, क्या लिख रहा है कि उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया, ये सब आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपके नोट हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।